गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, ए वार्म वेलकम टू ऑल द पीपल दोज हु आर वॉचिंग दिस यूट्यूब चैनल। आप सबको स्वागत है फिर से ये चैनल पे द नेशन नीड शो। एंड आई एम आर सी मिश्रा, सॉफ्ट स्किल ट्रेनर, भुवनेश्वर, उड़ीसा। लेट मी टेल यू द एजेंडा ऑफ टूडेज क्लास एवरी वन। डियर व्यूअर्स, इन दिस जर्नी ऑफ बेसिक इंग्लिश ग्रामर विथ मिश्रा सर, वी आर एट डे 3 एंड वी आर गोइंग टू कम्प्लीट एटलीस्ट 100 डेज फॉर व्हाट? बेसिक इंग्लिश ग्रामर। लेट्स से मोस्ट ऑफ द पीपल दे कॉल्ड एन इंक्वायर रिगार्डिंग देयर फ्लुएंसी एंड टू इम्प्रूव देयर ग्रामर। दे ऑल्सो वॉन्ट टू सी देमसेल्फ राइटिंग इंग्लिश प्रिसाइजली। So I can tell you have to burn the midnight oil to achieve it. There is nothing free in this world. तो आज का क्लास में हम दो चीज़ के ऊपर बात करने वाले हैं। पहला है हमारा फ्रेज और दूसरा कंसेप्ट है आपका क्लॉज। ये ऐसा दो चीज़ है जो बहुत बच्चे कन्फ्यूज्ड है इसमें, और अगर आपका फ्रेज और क्लॉज क्लियर नहीं है तो आगे पढ़ना, एक्सरसाइजेस करना, जितना भी सारा कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन है, इट्स लाइक ए पाइप ड्रीम और ए डे ड्रीम। आई कैन से इट्स गोइंग टू बी ए फूल्स पैराडाइज। सो इट्स बेटर टू क्लियर द बेसिक ऑफ दिस इंग्लिश ग्रामर। व्हेन आई टॉक अबाउट फ्रेज, आप फ्रेज क्या समझते हैं? इट इज व्हाट? नथिंग बट व्हाट? ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स। सेंटेंस भी तो पढ़े थे ग्रुप ऑफ वर्ड पिछले वीडियो में। फ्रेज क्या है? इट्स ए ग्रुप ऑफ वर्ड व्हिच मेक्स सेंस। सेंस तो बनता है बट नॉट कंप्लीट सेंस और सेंटेंस। सेंस है ग्रुप ऑफ वर्ड का। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, अंडर द ट्री, पता चल रहा है पेड़ के नीचे, लेकिन क्या एक कंप्लीट सेंस नहीं आ रहा या कंप्लीट मीनिंग नहीं बता रहा? तो इस तरह का सिचुएशन है तो इसको हम लोग इंग्लिश में ज़्यादातर क्या बोलते हैं? फ्रेज कहते हैं। क्या कहते हैं? फ्रेज। तो यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल मैंने लिया, अंडर द ट्री, पेड़ के नीचे क्या चल रहा है कुछ नहीं पता चला है, क्या है क्या नहीं, कहाँ है, एट द डोर कौन है क्या है, रियली फर्स्ट ये भी कंप्लीट सेंस नहीं दे रहा, आधा दे रहा है, और कैनॉट गो नहीं जा सकता। तो ग्रुप ऑफ वर्ड जो कंप्लीट सेंस ना दे, कंप्लीट मीनिंग ना दे, उसको क्या कहते हैं? फ्रेज कहते हैं। तो फ्रेज को कब कंप्लीट करेंगे? और एक भी चीज़ है, फ्रेज जो है इसके साथ और कुछ जुड़ा रहता है, ऐसे हम इसको ऐसे ही नहीं कर सकते। थोड़ा आगे पढ़ते हैं आज के क्लास में कि एक नोट देखते हैं, छोटा सा नोट है मेरा, क्या है कि ये फ्रेज इज ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स विदाउट ए सब्जेक्ट एंड वर्ब कॉम्बिनेशन। क्या नहीं होता? सब्जेक्ट और वर्ब कॉम्बिनेशन नहीं होता है फ्रेज में। आप क्लियर कर लीजिए यहाँ पे, अंडर द ट्री कहाँ है सब्जेक्ट, कहाँ है वर्ब, कॉम्बिनेशन आ रहा है। यहाँ पे थोड़ा आया गो, लेकिन ये क्या है? कैनॉट दिया है, मॉडल दिया है, ऑक्सिलरी वर्ब दिया है, सब्जेक्ट क्या है फिर? राइट तो फ्रेज का मतलब क्या है? इट्स ए ग्रुप ऑफ वर्ड। व्हाट इज फ्रेज? ए ग्रुप ऑफ वर्ड, ए कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड व्हिच हैव सेंस बट नॉट हैव कंप्लीट मीनिंग। तो कंप्लीट मीनिंग नहीं है तो क्या है? फ्रेज है। अच्छा आगे पढ़ते हैं थोड़ा, ए फ्रेज कैनॉट बी ए कंप्लीट सेंटेंस। सेंटेंस फ्रेज क्या नहीं बन सकता? कभी भी एक पूरा सेंटेंस नहीं बन सकता एवरीबॉडी। तो क्या है इसमें? बिकॉज इट डजेंट गिव कंप्लीट मीनिंग, क्योंकि कंप्लीट मीनिंग तो देता ही नहीं, तो कंप्लीट सेंटेंस कैसे बनेगा? और सेंटेंस क्या जानते हैं? जिसका लेट्स से राम इज अ बॉय, लेट्स से राम इज अ बॉय, पूरा पता चल जाए, क्लियर चल रहा है कि राम एक लड़का है। बट यहाँ पे अंडर द ट्री, एट द डोर, रियली फर्स्ट, कैनॉट गो, नो, कंप्लीट मीनिंग इज नॉट देयर। एंड वन मोर थिंग आई मस्ट टेल यू, व्हाट डज ए फ्रेज डू? अगर हम देखेंगे कि इंग्लिश में एक फ्रेज करता क्या है, वो तो जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि फ्रेज क्या है अभी हम लोगों को पता चल गया। देखिए कि मैं यहाँ पे इसको डिटेल में जा रहा हूँ, ये जो बेसिक्स है इसको पहले समझ लीजिए ताकि आगे एक्सरसाइज करने में आपको और आसान होगा।
तो यहाँ पे क्या है, व्हाट डज अ फ्रेज डू, एक फ्रेज करता क्या है एक सेंटेंस में, सिंपल बात है, द पर्पज ऑफ फ्रेज इज टू कॉम्प्लीमेंट द ओवरऑल स्ट्रक्चर ऑफ द सेंटेंस. क्या करता है, चार चांद लगाता है, क्या करता है, चार चांद लगाता है सेंटेंस में, थोड़ा डेकोरेट करता है, गर्निश करता है, इम्प्रोवाइज करता है और अच्छा सुंदर दिखता है. उसी पर्पज के लिए हम फ्रेज लगाते हैं. अब एग्जाम्पल ले लीजिए, सी इज सिटिंग अंडर द ट्री. तो यहाँ पे जो अंडर द ट्री मैंने लगाया फ्रेज, यहाँ पे ये क्या करा रहा है, सेंटेंस को और थोड़ा आगे बढ़ा रहा है, चार चांद लगा रहा है. सो रिमेंबर एवरीबडी, फ्रेज लाइक व्हाट, ए ग्रुप ऑफ वर्ड व्हाट विच मेक सेंस बट नॉट कंप्लीट सेंटेंस और कंप्लीट मीनिंग. तो आई होप आप लोगों का यहाँ पे फ्रेज का जो छोटा मोटा डाउट था क्लियर हो गया है. आप जितना ज़्यादा फ्रेज सीखेंगे आपका राइटिंग उतना बढ़ेगा एंड आपका स्पीकिंग में भी ये फ्रेजेस यूज कर सकते हैं. लॉट ऑफ फ्रेजेस आर देयर. अगर आप गूगल करते हैं कॉमन फ्रेजेस इन इंग्लिश तो लाखों फ्रेजेस आता है. आप उसमें से कितना फ्रेजेस यूज करते हैं, इट्स प्योरली डिपेंड अपॉन योर इंग्लिश स्टैंडर्ड एंड लर्निंग एंड प्रैक्टिस एवरीबडी. नाउ इट्स टाइम टू लर्न द सेकेंड वन ऑफ टूडेज टॉपिक, व्हाट, क्लॉज इन इंग्लिश लैंग्वेज. सो लेट्स सी, हैव ए लुक ऑन क्लॉज. ओके, सो नाउ वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड क्लॉज इन इंग्लिश लैंग्वेज. टिल नाउ वी हैव डिस्कस अबाउट फ्रेज इन इंग्लिश लैंग्वेज एंड वी कम टू नो दैट फ्रेज आर व्हाट, ग्रुप ऑफ वर्ड व्हिच, लेट्स से व्हिच हैव सेंस बट नॉट हैव वर्ड कंप्लीट मीनिंग. ओके, नाउ व्हेन इट्स कम टू क्लॉज यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट क्लॉज इज व्हाट, इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड, इट इज ऑल्सो वर्ड, ए ग्रुप ऑफ वर्ड व्हिच गिव्स कंप्लीट मीनिंग. क्लॉज क्या है, कंप्लीट मीनिंग देता है. फ्रेज सेंस होता है बट कंप्लीट मीनिंग नहीं देता है एंड ऑल्सो हैज अ सब्जेक्ट वर्ब कॉम्बिनेशन. आपको फ्रेज में सब्जेक्ट वर्ब कॉम्बिनेशन नहीं मिल रहा था, वेयर एज इन क्लॉज यू आर गोइंग टू हैव व्हाट, सब्जेक्ट वर्ब कॉम्बिनेशन. सब्जेक्ट क्या है जानते हैं, वर्ब जो भी एक्शन वर्ड है वो सारे क्या होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, वर्ब कहते हैं, राइट. तो एक चीज़ तो हमारा सब लोगों का भी माइंड में क्लियर हो गया कि जो फ्रेज था फ्रेज में क्या नहीं था, सेंस था बट कंप्लीट मीनिंग नहीं था. जबकि बात आता है क्लॉज का तो क्लॉज भी ग्रुप ऑफ वर्ड होता है लेकिन यहाँ पे सब्जेक्ट वर्ब का कंबो आपको मिलता है, कॉम्बिनेशन मिलता है. और एक पॉइंट देखते हैं, जैसे सी इज हंग्री, यहाँ पे देखिए सब्जेक्ट भी है वर्ब भी है. आई एम फीलिंग वेल टूडे, दैट इज ऑल्सो वर्ड, सब्जेक्ट एंड वर्ब एंड इसका कंप्लीट मीनिंग भी आ रहा है. आई एम फीलिंग वेल टूडे, आज मुझे अच्छा लग रहा है. सी इज हंग्री, उसको भूख लग रहा है, राइट, वो भूखा है. सो नोट दैट ए सिंपल सेंटेंस कैन ऑल्सो बी कॉल्ड एज वन क्लॉज. एक सिंपल सेंटेंस भी आपका क्या हो सकता है, एक क्लॉज हो सकता है. ए सेंटेंस कैन ऑल्सो बी ए क्लॉज, रिमेंबर दिस पॉइंट. सो रिमेंबर वन थिंग दैट सम सेंटेंस मे हैव मोर देन वन क्लॉज. कुछ सेंटेंसेस में एक से ज़्यादा भी क्लॉज हो सकते हैं. क्लॉज क्या जानते हैं, जैसे कि यहाँ पे क्या है, जैसे हमने देखा आई वेटेड, देखिए ये एक ठो क्लॉज है. आई वेटेड फॉर हर बट सी डिड नॉट, क्या है, दो क्लॉजेस है यहाँ पे, राइट. इसका टाइप्स क्या है वो आगे पढ़ेंगे, आप धैर्य रखिए. तो पहला चीज है क्या है, ए सेंटेंस में हैव मोर देन व्हाट, वन क्लॉज. एक से ज़्यादा हो सकता है, दो हो सकता है, तीन हो सकता है, चार हो सकता है, पाँच भी हो सकता है, डिपेंड अपॉन योर सेंटेंस. सो वन मोर एग्जाम्पल, लेट्स सी हियर, सीता लाइक्स मी, सीता मुझे पसंद करती है, बट आई लाइक श्रद्धा बिकॉज आई वॉन्ट टू मेरी हार, वाट, आई वॉन्ट टू मेरी हार. तो यहाँ पे कितने क्लॉज है, देखिए सीता लाइक्स, ये एक तो है सब्जेक्ट वर्ब हो गया. नेक्स्ट बट वट आई लाइक, यहाँ पे देखिए दो क्लॉज हो गया और एक एक तो आई वॉन्ट टू, ये क्या है, और एक भी तो क्लॉज है ना. तो ये वाला सेंटेंस में दो क्लॉज है और इसमें दो से ज़्यादा भी है.
जब क्लॉजेस क्लॉज का बात आता है तो ये दो तरह का होते हैं, ध्यान रखिए, एक होता है इंडिपेंडेंट क्लॉज, एक होता है डिपेंडेंट क्लॉज। आगे जब आप एक्सरसाइज करेंगे ये दो चीज़ आपको परेशान कर सकता है अगर आप इसका बेसिक्स कॉन्सेप्ट जो है अगर वो आप क्लियर नहीं होंगे तो। क्लास में मैं वही चाहूँगा कि आपका बेसिक जो है ग्रामर वो क्लियर हो। तो जो लोग चैनल पे नया आज आए हैं, पहली बार देख रहे हैं, पहली दफ़ा चैनल पे आए हैं, तो काइंडली सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर वीडियो आपको अच्छा लगता है लाइक कर सकते हैं, अगर इसको और स्प्रेड करना है, किसी को बताना है, अगर टीचिंग अप्रोच ईजी लगता है आप इसको शेयर भी कर सकते हैं। राइट, सो इट्स टाइम टू डिस्कस व्हाट इंडिपेंडेंट क्लॉज एंड डिपेंडेंट क्लॉज। सो लेट्स बिगिन विद इंडिपेंडेंट क्लॉज। एक चीज़ ध्यान रखिए, इंडिपेंडेंट मतलब जहाँ पे आपको क्या मिल रहा है, फ्रीडम मिल रहा है, फुल लिबर्टी है, राइट। फॉर एग्जाम्पल एन इंडिपेंडेंट क्लॉज इज द सेम एज ए कंप्लीट सेंटेंस। इंडिपेंडेंट क्लॉज क्या होता है, ए कंप्लीट सेंटेंस होता है एंड कैन स्टैंड अलोन, और क्या हो सकता है, अकेला खड़ा हो सकता है, जिसको बोलते हैं ना वन मैन आर्मी। क्या कहा जाता है, वन मैन आर्मी। लेट मी कॉल मिस्टर मोदी एज व्हाट, वन मैन आर्मी इन इंडिया, राइट। सो हियर व्हाट एन इंडिपेंडेंट क्लॉज कैन व्हाट स्टैंड अलोन। फॉर एग्जाम्पल ही एट डिनर, कोई डिपेंडेंसी नहीं है इस, राइट। और आई वॉज वर्किंग, और यहाँ पे और एक भी चीज़ है, आपको सब्जेक्ट वर्ब भी मिल रहा है। क्या मिल रहा है, सब्जेक्ट वर्ब का कॉम्बिनेशन भी आ रहा है। जब वही चीज़ डिपेंडेंट क्लॉज में आता है फिर क्या चेंज होता है, चलिए समझते हैं कि दिस क्लॉज कैनॉट स्टैंड अलोन, ये अकेला खड़ा नहीं हो सकता, इसको सपोर्ट चाहिए। इट हैज़ ए सब्जेक्ट वर्ब कॉम्बिनेशन, इसका भी क्या है, सब्जेक्ट वर्ब कॉम्बिनेशन है, बट इट कुड नॉट बी ए सेंटेंस बाय इटसेल्फ, भी अपने आप सेंटेंस नहीं हो सकता। जैसे कोई प्राइम मिनिस्टर बनता है तो उसको और भी सपोर्ट चाहिए, अब लीडर होते हैं तो और भी सपोर्ट चाहिए। वैसे डिपेंडेंट क्लॉज में क्या कुछ क्लॉजेस चाहिए, ये क्या है, डिपेंडेंट है, अपने आप खड़ा नहीं हो सकता, राइट। सो इट नीड्स एन इंडिपेंडेंट क्लॉज टू कंप्लीट द सेंटेंस। सेंटेंस पूरा करना है आपको तो क्या चाहिए, एक इंडिपेंडेंट क्लॉज चाहिए। एक छोटा एग्जाम्पल देखिए, व्हेन राहुल गॉट होम, जब राहुल घर पहुंचाया गया, अगर पहुंच गया तो व्हेन राहुल गॉट होम, गेट का क्या किए हैं, गॉट किए हैं, तो यहाँ पे ये कोई मीनिंग बता रहा है क्या, लेकिन सब्जेक्ट भार तो है हमारा, राइट। व्हेन भी लगा है, मैंने और एक चीज़ बताना है आपको आज के क्लास में, राहुल गॉट सब्जेक्ट भार तो है लेकिन कोई कंप्लीट मीनिंग आ रहा है क्या, नो। तो क्या करेंगे, व्हेन राहुल गॉट होम ही एट डिनर, जब घर पहुंचा वो खाना खाए। हमेशा याद रखिए जब आप मतलब डिपेंडेंट क्लॉज का बात आता है, एक चीज़ माइंड में रख लीजिए कि क्या है, सब्जेक्ट भाग तो होता है, अपने आप मीनिंग नहीं होता है, इंडिपेंडेंट क्लॉज चाहिए होता है। और एक चीज़ है, द डिपेंडेंट क्लॉज ऑफन बिगिंस विद वर्ड्स लाइक वर्ड सच एज व्हेन, व्हाइल, इफ, अनलेस, ऑल्दो, एज सून एज मच एज लॉन्ग एज, बिकॉज, सिंस, एटसेट्रा, और भी बहुत सारे। जैसे ये सेंटेंस क्या किया मैंने, When से तो चालू किया ना, तो ये कैसा क्लॉज है, डिपेंडेंट क्लॉज है। तो बेसिक पहले क्लियर कीजिए, तब जाके आगे पढ़ाई करेंगे और डीप लेवल तक जाएंगे और भी एक्सरसाइज करेंगे। अभी मैं बेसिक में हूँ तो इसलिए आपको बेसिक पढ़ा रहा हूँ, फिर धीरे धीरे इसका एक्सरसाइज बढ़ता रहेगा। आप अगर चैनल पे जुड़े हुए हैं, चैनल का नाम नोट कर लीजिए, द नेशन नीड्स यू। अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्रिप्शन तो फ्री है, आप आराम से कर सकते हैं। नए सब्सक्राइबर जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लीजिए ताकि वीडियो आपको पहुंचता रहे टाइमली। मैं भी ट्राई करता हूं कि सारे टॉपिक जो है आपको जितना हो सके इजी वे में पढ़ाऊं, इजी अप्रोच में पढ़ाऊं ताकि आप समझ पाए। आई होप आज का सेशन में आपको फ्रेज और क्लॉज में डिफरेंस तो पता चल गया होगा। फ्रेज क्या है आपने देखा, क्लॉज क्या है देखा, फिर क्लॉज का टाइप्स भी हमने देखा। इसके ऊपर भी मैं वीडियो बनाऊंगा जिसमें और डिटेल में हम लोग जाएंगे, क्योंकि अभी बेसिक इंग्लिश ग्रामर है तो मैं आपको ज़्यादा परेशान नहीं करना चाहता। ओके, एनी हाउ थैंक यू सो मच फॉर योर लव एंड योर सपोर्ट एंड एज वेल एज देयर आर फ्यू पीपल लाइक दोज हु आर गिविंग देयर प्रीशियस कमेंट ऑन माई यूट्यूब चैनल। सो आई मस्ट से दैट आई रियली लव देम फ्रॉम माई हार्ट
and I must wish them best of luck. They are also doing great by helping me. They are also helping themselves by improving their English knowledge. As you see that this is a sea. It is never going to end. When I was a student of computer science, then that time also programming language, IT, this, that, never understood. The same. Whatever the topic you begin or the concept you have in your mind, it's an endless what? Learning. So every day we have to learn. Those who are telling that sir, I'm not that much fluent, I came from a Odia medium. No. These things are the only excuses that you are giving to yourself. You need to create one environment by yourself. Call to strange number. आप बोलते हैं सर इंग्लिश में बात क्या करें, किससे करें? अब गूगल पढ़ा हुआ है, गूगल में सर्च कीजिए गिटार क्लास इन दिल्ली, 1.5 लाख नंबर आएगा, आप बात कीजिए। हमारा जो ससुर जी है जियो रिलायंस वाला, वो तो दिया हुआ है ना, कॉल कर सकते हैं ऑल इंडिया। फ़ोन घुमाइए, सवाल पूछिए, क्वेश्चन लिख के रखिए, सवाल पूछिए उनको। वो लोग हमेशा रेडी होते हैं आपको हेल्प करने के लिए। लास्ट ऑप्शन है, अगर ज़्यादा प्रॉब्लम होता है, अगर वो आपके पीछे पड़ जाए कि गिटार क्लास लो, नहीं तो अभी पूरा डेंजर हो जाएगा, तब आप ब्लॉक कर सकते हैं। यू हैव ए ब्लॉक ऑप्शन दैट इज गिवन बाय आवर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एवरीवन। एनी हाउ थैंक यू सो मच फॉर स्टेइंग कनेक्टेड विथ माई वीडियो। आई विल मीट यू पीपल इन माई नेक्स्ट वीडियो। वंस अगेन थैंक यू। जय हिंद।